सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ और कुछ आज नया सीखने को मिलने वाला है गाइस। तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना गाइस। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ गाइस, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक दबाना ना भूलना गाइस, सब्सक्राइब किया और लाइक भी ज़रूर करना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेट्स गो, बोला क्या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या करना, आपको पिक्चर ओपन कर लेनी है। तो पिक्चर ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और फिर अपने चले जाना अपनी फाइल में। अपनी फाइल में जाने के बाद गाइस, ठीक है, अपने फाइल आपका कहीं भी फाइल होगा अपने फाइल में चले जाना। तो अपने चले जाते हैं फाइल में, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है, वो बहुत बड़ा फेमस है सोनी, बहुत अच्छा एडिट करते हैं। तो सोचे कि हम फ़ोन से क्यों नहीं एडिट कर दें, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहले ले लेते अपनी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेने के बाद गाइस हो चुका है गाइस। आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना फोटो को सबसे पहले ऐड करना है, ठीक है। तो चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपने फाइल में चले जानी है। तो हमारा जो फाइल है यहाँ पे है, तो गाइस अपने फाइल में अपना आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फोटो इस फाइल में नहीं है, ठीक है, दूसरे फाइल में होगा गाइस। तो चलते हैं अपने फाइल में गाइस। तो हमारा जो फोटो होगा कुछ कहाँ गया भाई, यहाँ पे मेरा फोटो है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐड, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको ऐड करना होगा, ऐसे ही कुछ साइज रखना बड़ा अपना फोटो का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा हल्का सा छोटा कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हमारा जो फोटो अच्छी तरीके से सेट हो गया। तो यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको एक फ्रेम लेना है, ठीक है। तो अपने जाना है फाइल में और ये वाली जो फ्रेम है आपको यहाँ से ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये फ्रेम का लिंक दे दूँगा, सारा लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे फ्रेम को यहाँ सेट करूँगा, ठीक है। आपको ऐसे सेट करना होगा। तो यहाँ से हम कर तो ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे थोड़ा ऑपोसिटी को कम करने के बाद यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से सेट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं सेट और इरेजर पे क्लिक करनी है, ठीक है। और अपने जितने फिंगर देख रहे हैं यहाँ से आपको फिंगर का जितने फ्रेम आ रहे हैं वहाँ पे आपको कट करनी है। तो हार्डनेस को बढ़ा लेनी है, साइज़ को थोड़ा कर लेनी है और चलते हैं कट करने, ठीक है। तो वैसे हमारा जो है अच्छे तरीके से सेट हो गया। यहाँ से करते हैं डन। ऑपोसिटी को बढ़ा लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हम अच्छे तरीके से यहाँ सेट हो गया है। तो यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में। जितने कार्टून है आपको यहाँ पे एक एक करके सेट करना है। तो हम सेट कर रहे हैं गाइस, आप देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको सेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको दो तीन ले लेता हूँ अच्छे सेट करने के लिए, और ये ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। सबसे पहले हम तीन ऐड किए हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऐड। और ये करना है आपको यहाँ से इसको कुछ ऊपर यहाँ पे रखना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ उड़ते हुए आ रहा है भाई मारने के लिए, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाली को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तो सेट कर लिए, यहाँ से करते हैं डन। और फिर से चलते हैं ऐड फोटो में और फिर से कुछ कार्टून है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से जाएंगे अपनी फाइल में और फाइल में जाने के बाद आपको एक दो, ठीक है, और ये तीन, ठीक है, फिर से तीन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद गाइस आपको ये वाली को यहाँ पे सेट कर देनी है, ठीक है। तो गाइस एक मिनट, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस फ्रेम में फ़ोटो ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऐड फोटो, तो ऐड फोटो में क्लिक कर लेनी है और फिर चले जानी अपनी फाइल में। अपनी फाइल में जाने के बाद आपको ये वाली ऐड कर देनी है, ठीक है। तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ गाइस। क्या करना, आपको जाना है क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद इसको क्रॉप कर लेनी है, यहाँ से कर लेनी है डन। डन करने के बाद इसको हल्का सा घुमा देनी है और फोटो का जो साइज़ है बड़ा कर देनी है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेट, कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है गाइस। तो यहाँ से ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं और फिर इरेजर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर हटा देना है, उसके बस पे क्लिक करना है, हार्डनेस को बढ़ा लेना है, साइज को छोटा कर लेना है और बाकी इस पर भर देना है व्हाइट पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर भर देना है अच्छे तरीके से। तो वैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो गया है, बट क्या है ना, कहीं कहीं फालतू आपको मतलब ये देखिए यहाँ पे फालतू लगा हुआ, तब क्या करना है, आपको इरेजर पे क्लिक करना है और जितने फालतू पार्ट यहाँ पे दिखे रहे हैं साइड से और पेंट कर रहे हो व्हाइट बोर्ड पे, तो साइड से मतलब फालतू जगह लग जाता है, तो आपको मिटाने के लिए आपको इरेजर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऐसे मिटका लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटका लेता हूँ, बस फालतू चीज़ को यहाँ पे मिटका देना है।
तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे फालतू कहीं कहीं लग गया, ठीक है। तो ऐसे आपसे भी होगा, तो ऐसे आप करना। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से सेट हो गया है, और यहाँ से कर देते हैं ऑपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से यहाँ मेरा सेट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाली पीएनजी को यहाँ पे सेट कर देनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बस सेट करना है और थोड़ा ऐसे घुमा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो गया है। आपको फिर इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगा देना है कुछ इस तरीके से, गाइस थोड़ा इसको छोटा कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो है हमारा सेट हो गया, एक ये वाली जो है मैं इसको यहाँ से थोड़ा घुमा दूंगा इस तरीके से गाइस, और यहाँ पे कर दूंगा सेट कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है गाइस। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और फिर से चलते हैं ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद अपने फाइल में फिर से चले जानी है गाइस, अपने फाइल में आ जाना है। अपने फाइल में आ जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, ये वाली पीएनजी ले लेनी है, और क्या करना है आपको ये वाली ले लेनी है, ठीक है। ये लेने के बाद और ये ले लेनी है, उसका कर लेनी है डन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा सा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको फिर से ये वाली को ऐसे यहाँ पे सेट करना है कुछ इस तरीके से गाइस। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, तो हमारा जो सेट हो गया, और एक ये है, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक है। तो सारा जो पीएनजी अच्छे तरीके से सेट हो गया गाइस। तो यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ठीक है। आपको पता ही होगा ये जो फोटो एडिट हुआ है फोटोशॉप में एडिट हुआ था, बट हमने सोचा कि चलो भाई पिक्सआर्ट में क्यों नहीं एडिट करके आप लोगों को बता दें, ठीक है। तो वैसे इनमें अच्छा तरीके से एडिट तो हो गया है, बट थोड़ा क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा शैडो कहीं बना देना, ठीक है। तो चलते हैं, आपको क्या शैडो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद गाइस आपको सब पे अच्छे अच्छे मतलब कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको शैडो बनाना है। तो ब्रश पे क्लिक करना है, ब्रश पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाली ब्रश ले लेनी है, ठीक है। ऑपोसिटी को कम कर देनी है गाइस, ठीक है, और साइज़ को अपना छोटा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद आपको यहाँ फोटो को जूम करना है, ठीक है, और यहाँ से अपना शैडो बना लेते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा यहाँ गलती हो गया। तो फिर से यहाँ ब्लैक पे क्लिक करके मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे शैडो बना लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको शैडो बनाना है गाइस, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं शैडो बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से शैडो बनाना है गाइस। जितने आपकी यहाँ कार्टून दिख रहे हैं तो आपको यहाँ से शैडो बना लेना है। तो यहाँ से मैं शैडो बना लेता हूँ इस तरीके से गाइस, और ये भी जो है इसको भी मैं इस तरीके से शैडो बना लेते हैं गाइस। शैडो से क्या होता है कि आपकी फोटो की क्वालिटी मस्त वाली लगती है, रियल लगती है, ठीक है। आपको यही छोटे छोटे जो पार्ट है बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो इसको मैं शैडो बना लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन लग रहा है, शैडो से लग रहा है कि हमारी रियल है, ठीक है। आपको ये करना है, ये कुछ फ्रेम है तो फ्रेम के नीचे भी तो कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, ये छोटा छोटा पार्ट आपको देखना पड़ेगा बहुत गौर से गाइस, ताकि जो फोटो एकदम लगे कि भाई एकदम रियल है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा अच्छे तरीके से शैडो बन गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फिर थोड़ा जूम कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो कुछ अच्छे से कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से, और थोड़ा इस पर कम करना है, क्लिक करना है, ऑपोसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देनी है गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से सेट हो गया गाइस, आप देख सकते हो। और क्या करना है आपको, लाइटों में जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ क्लोजिंग करना है, यहाँ से तीन डॉट पे क्लिक कर लेते हैं, पहले इसको फोटो को सेव कर लेते हैं। फोटो को सेव करने के बाद फिर चलते हैं लाइटों में। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो लाइटों में ओपन हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे कुछ कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस लेंस पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है, सॉरी गाइस, इस लेंस पे क्लिक करना है, इस लेंस पे क्लिक करना है, यहाँ से कर लेनी है ऑन। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस पे क्लिक करना है लाइट पे, और लाइट पे क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, थोड़ा हाईलाइट पे यहाँ पे कम ही रखना है, ठीक है, और साइडो को थोड़ा बढ़ा देनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देना है गाइस, और थोड़ा वाइट बैलेंस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, वाइट बैलेंस हल्का सा यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देंगे, और ब्लैक से थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अच्छा क्या करना है आपको, इस पे क्लिक करना है और मिक्स पे करना है, थोड़ा यू को कम कर देना है, ठीक है गाइस। यू को कम कर देते हैं, थोड़ा सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लुमिनस है तो लुमिनस को हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है येलो टोन पे, और यू को थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा यू को चाहिए हल्का, और यू को कम कर लेते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये लुमिनस है, लुमिनस को आपको क्या करना है थोड़ा घट कम कर देना, ठीक है।
तो यहाँ पे गाइस हो गया। उसे क्या करना है, आपको एक ब्लू टोन पे क्लिक करना है और यू को कम कर देना है, ठीक है। यू को कम करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा देनी है कुछ इस तरीके से, कम कर देनी है गाइस, बढ़ाना नहीं है, कम कर देनी है थोड़ा अच्छे से कम। यहाँ पे मतलब उसको काम ही नहीं करना है, उसको जीरो पार्ट कर देना है, ठीक है। उसका काम नहीं है तो उसको मैंने नहीं किया। ऐसे ही आपको भी करना है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ कम कुछ सैचुरेशन का काम है या लुमिनस का काम है तो वही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लुमिनस को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसका क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे कुछ येलो टोन करने के लिए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फेस को हल्का गोरा कर लेना है, हल्का ज़्यादा नहीं बस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको गोरा कर लेना है। यहाँ से कर लेते हैं डन। यहाँ से जिस तरीके से काम हो गया, आपको थोड़ा वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देनी है, ठीक है, और थोड़ा सैचुरेशन को थोड़ा सा कम रखनी है, ठीक है गाइस। उसे क्या करना है, थोड़ा येलो टोन करने के लिए आपको टैन को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देनी है, कुछ यहाँ पे येलो टोन देने के लिए गाइस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा टैन को क्या करते हैं, तो टैन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो फोटो है अच्छे तरीके से यहाँ कलर फिटिंग हो गया। आप क्या कहना है, थोड़ा क्लैरिटी को तो बढ़ा देनी है, तो थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा देते हैं गाइस, थोड़ा फोटो में जो चमक है अच्छे तरीके से आ जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो फोटो कितने अच्छे से चमक आ गई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा वाइब्रेट को बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से गाइस। उसे क्या करना है, आपको जाना इस पर और थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है, यहाँ पे आपकी फोटो साफ दिखेगी, ठीक है। उसे क्या करना है, आपको थोड़ा कलर यहाँ पे नॉइस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेनी है, ताकि आपकी जो फेस है अच्छे तरीके से थोड़ा स्मूथ हो जाए, ठीक है, और थोड़ा कलर नॉइस भी बढ़ा लेनी है। तो गाइस हमारा जो ये अच्छे तरीके से फोटो अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एडिट हो गया। तो आप देख सकते हो गाइस जो फोटोशॉप में एडिट हुआ था और यहाँ देख सकते हो पिक्सआर्ट में लाइटरूम के मदद से अच्छे तरीके से मैं एडिट कर लिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हाँ गाइस, लाइक करना एकदम नहीं भूलना गाइस। तो इसको क्या करते हैं गाइस, सेव करते हैं। तो क्या करना है, प्रिंट आउट पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके उसके बाद सेव कर लेने हैं। यहाँ पे ओके किए हमारे जो फोटो सेव हो रहे हैं गाइस। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।